अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मल्टीपर्पज़ विंटर क्रीम। विंटर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारी स्किन के साथ। हमारी स्किन पर रैश होती है, क्रैक्स हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाती है, छिलने लगती है और आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। सो इन सारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है इस वीडियो में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने लेना है एक बोल और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली हम सर्दियों में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो हर घर में अवेलेबल होती है। ये आपकी स्किन से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और मॉइस्चर प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून पेट्रोलियम जेली और आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एक विटामिन ई का कैप्सूल लिया है मैंने फॉर स्किन ब्राइटनिंग। और यहाँ मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ मार्केट का। आप इसमें मार्केट का जेल यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक जेल यूज़ करते हैं तो वो आप ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, 1 दिन से ज़्यादा उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ये आप 15 to 20 डेज तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं और क्वांटिटी भी इसकी बढ़ा सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगी कोकोनट ऑयल, मॉइस्चराइजिंग ड्राई और क्रैक्ड स्किन के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं सेम क्वांटिटी जितनी मैंने एलोवेरा जेल और पेट्रोलियम जेली की ली थी उतनी ही मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन ऐड करूँगी। यहाँ पे आपने डाल लेने हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने और जेंटली अप्लाई करना है अपने हैंड्स और फीट में। दिन में 2 से 3 मरतबा आपने इसको हाथों और पैरों पे अप्लाई करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स अच्छे आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।